आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 के तहत शहर के बाजारों में अधिकांश दुकान खुल चुकी हैं। इसी के मद्देनजर आज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली सदर प्रभारी जगदीश चंद ने अपनी पुलिस टीम के साथ शहर के मुख्य बाजारों में पैम्पलेट व पोस्टर लगवाते हुए दुकानदारों को जागरूक करते हुए लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। कोतवाली सदर प्रभारी जगदीश चंद और चावड़ गेट चौकी इंचार्ज रामपाल सिंह ने बाजारों में दुकानदारों को पैम्पलेट पोस्टर के माध्यम से जागरूक करते हुए बताया कि शासन के आदेश के अनुसार इस पैम्पलेट में जो समय सारणी है उसी के अनुरूप आप सभी को अपनी दुकानें खोलनी है और सभी दुकानदार लॉकडाउन का पालन करें और उनका सहयोग करें, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए यही उपाय है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखें और ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज भी कराएं। कौन जो है कब देखो इसमें पूरा वो है वो जो पेड़ वाइज दोस्तों का आ गया इसका पालन करें आप और उसकी बिजली इतना पड़ेगा बताओ अभी दुकान लगाने जाएंगे हम लोग। जो हमारे संवाददाता ने पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर रामशब्द यादव से बात की तो उन्होंने इस बारे में हमें जानकारी देते हुए बताया। सर आज जो शहर कोतवाली में जो पोस्टर्स लगवाए गए हैं पुलिस द्वारा, सर उसके बारे में बताएं। सर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर हम लोग सारे पुलिस वाले जो है बाजार के पोस्टर बैनर लगवा करके जागरूक जनता को जागरूक किए हैं कि आप लोग जो है घर से कम निकलें और बाजार में जो है जो उचित सामान आपको आवश्यक आवश्यकता वाला सामान हो उसी को खरीदने के लिए निकलें ताकि जो है भीड़ कम हो सके बाजार में। और प्रतिदिन जो है रिपोर्ट किया गया है कि फला दिन को फला क्षेत्र की फला मार्केट जो है खुलेगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं तो बताना चाहता हूँ कि संडेवार को सब्जी मेडिकल स्टोर और दूध ये तीन ही दुकानें जो है खुलेंगी और बाकी शेष दुकानें सब बंद रहेंगी। इसी तरीके से कपड़े का भी दिन जो है डिसाइड किया गया है और वो जो है क्षेत्र सभी बांटे गए हैं और सब लोगों को मैं हम लोग जो है सब मिलकर के पुलिस वाले यही जागरूक करना चाहते हैं कि आप लोग जो इस महामारी से बचने के लिए जितना कम से कम हो सके घर से बाहर निकलें, यही हम लोग जो है पोस्टर बैनर लगा करके जनता को जागरूक किए हैं। हाथस के प्रभारी मंत्री और ब्रज के संगठन मंत्री ने जिले के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक की। भारतीय जनता पार्टी आईटी विभाग हाथरस के द्वारा आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हाथरस जिले के सांसद व विधायक व सभा मोर्चों के जिला अध्यक्ष और जिला कार्य समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य वक्ता संगठन मंत्री ब्रज और कानपुर क्षेत्र के भवानी सिंह रहे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री श्री भूपेंद्र चौधरी ने सभी को संबोधित किया। माननीय संगठन मंत्री भवानी सिंह ने कहा कि अब तक प्रदेश के योगी सरकार के द्वारा लाखों लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाया गया है। हाथरस के प्रभारी मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में जिले में चल रहे राहत कार्य के विषय में जानकारी ली। इसी के साथ जिला अध्यक्ष गौरव आर्य ने कोरोना पीड़ित व्यापारी नेता पर दर्ज FIR को वापस लेने संबंधी विषय को भी वहां रखा। साथ ही प्रभारी मंत्री जी से कहा कि जिले में आजकल बिजली की काफी समस्या हो रही है जिसका निराकरण जल्द किया जाना चाहिए। फिलहाल में मेरे यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं DM, SSP, CMO सारे अधिकारियों को लेकर बिजली उनको लेकर बैठता हूँ, वो सारी समीक्षा करता हूँ। राशन का वितरण भी बहुत अच्छे चल रहा है। हम मानिए अपने विधायकों को लेकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। 11 पेशेंट थे जिनमें से आज 8 डिस्चार्ज हो रहे, 3 पेशेंट हमारे कुल ले जाएंगे, कोरोना मुक्त है हमारे यहाँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। मैं परसों भी मीटिंग लेके आया हूँ DM SSP CMO की, सारी समीक्षा लेके आऊँ, राशन का वितरण कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वारंटाइन किए हैं, उसमें बाहर में क्या खाना कैसे मिल रहा है, मैं स्वयं खुद जाके चेक करके आया हूँ।